भाई ये ऑयल लिया है मैंने एजेंसी से, ठीक है। उसके बाद अभी इसके अंदर नहीं, अभी काटूंगा, अभी डब्बा काट के फिर बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि तो इसमें कहने लायक ना रह जाए कि हाँ भाई मैंने इस एजेंसी का वीडियो नहीं है। डब्बा काट के फिर बनाऊंगा। ये ऑयल लिया था मैंने बजाज DTSI का, एजेंसी से डलवाया था। उसके बाद मैं बोला कि उस ये वो जो ऑयल है इसमें थोड़ा बचा देना नीचे का, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं है आप अच्छा ऑयल दे रहे हैं कि घटिया ऑयल दे रहे हैं। 2500 किलोमीटर जाते जाते आपकी गाड़ी एकदम ख़राब हो स्थिति में हो जाती है इंजन, तो इसी वजह से मैंने ऑयल इनसे बचाया। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए इसमें ऑयल में काला काला आता है इनके नीचे। ये ओरिजिनल ऑयल में क्यों आता है? कैस्ट्रॉल में लेता हूँ ओरिजिनल, उसमें तो नहीं आता ऐसा। मैंने इनको बोला भी दूसरी सर्विस थी मेरी, यहाँ पे सर्विस नहीं कराई मैंने, इस बार ऑयल डलवाया था। तो ये पहले भी यही बोले थे, इस बार भी बोले हैं कि ऑयल में नीचे हल्का फुल्का वो आता है डस्ट। तो ये बजाज वाले मुझे बताएं, बजाज कंपनी के मुझे बताएं ये डस्ट आता क्यों है, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट ऑयल है, इसमें डब्बा ऊपर से जेनुइन दे दिया है और अंदर ऑयल कुछ डुप्लीकेट क्वालिटी का, आपको दिख रहा होगा वो नीचे ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे। तो ये बताइए कि ये काला धंधा जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये कब तक होता रहेगा? हमारी गाड़ियाँ ऐसे ख़राब होती रहेंगी? मैं जब से दिल्ली के अंदर सर्विस करा रहा हूँ अपनी, तब से मेरी गाड़ी एकदम ख़राब हो चुकी है, इंजन से एकदम गंदा आवाज़ आता है, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। जब इनको बोलता हूँ इंजन भाई ऑयल की वजह से दिक्कत हो रहा है, तो बोलते नहीं सर वो ये ऑयल हमारा सही है, इसकी वजह से नहीं होता है। इनसे अभी तक गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ इंजन में। जब ऑयल सही दोगे तो 2500-3000 किलोमीटर में थोड़ी ना गाड़ी बोल जाएगी, आवाज़ करेगी, कुछ होगा। तो मैं बजाज से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ऑयल है ऐसा क्यों आया है।